एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंस टुडे। ये वाली टॉपिक बच्चे को क्लास वन में नाउन के बाद पढ़ाते हैं, यानी ग्रेड वन में आफ्टर नाउन वाली टॉपिक, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस टॉपिक में बच्चे ही, शी, इट, दे, ये टर्म्स सीखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द किड्स दे ऑलरेडी नो दिस वर्ड्स। हम से यानी पेरेंट्स से या टीचर्स से या सराउंडिंग में जो इंग्लिश सेंटेंसेस वो सुनते हैं उसके थ्रू बच्चे इन टर्म्स को जानते हैं। बट इस टॉपिक में सिर्फ इन टर्म्स को सिखाना नहीं होता, इनका प्रॉपर यूसेज सिखाना होता है। जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड टीना, मैं एक लड़की की, मेरी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ टीना। जब आप इसके बारे में दूसरा सेंटेंस बोलोगे आपको शी यूज़ करना है, शी इज अ गुड गर्ल और शी इज काइंड। सो आई हैव अ फ्रेंड टीना, आप किसी के बारे में जब दूसरी दफ़ा बोलोगे, सेकेंड सेंटेंस उसके बारे में बोलोगे, आपको प्रोनाउन यूज़ करना होता है। अगर गर्ल है तो शी, बॉय है तो ही। तो इस तरह से यूसेज, प्रॉपर यूसेज बच्चों को प्रोनाउंस टॉपिक के थ्रू सिखाया जाता है। सो इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये बताना है कि बॉय को ही कहते हैं, गर्ल को शी कहते हैं, थिंग एनिमल्स को इट कहते हैं, प्लूरल एनिमल्स या थिंग्स को इट कहते हैं, और प्लूरल में आप किसी के बारे में जब बात कर रहे हो तो दे होता है, और जब आप अपने साथ साथ किसी और के बारे में बात कर रहे हो आपको वी बोलना होता है। तो यहाँ पे वर्कशीट रिलेटेड टू दैट, जहाँ पे ईच सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं उस वर्ड को आपको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है। जैसे कि द ट्रेन एक थिंग है तो इट, राइट, इट हैज स्टॉप्ड। द डॉग, दिस इज जस्ट अ सिंपल वर्कशीट जहाँ पे सिर्फ रिप्लेस करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि वो गर्ल है, बॉय है, यानी मैन है, वुमेन है, या फिर थिंग है, एनिमल है, और प्रॉपर प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। सो द ट्रेन इट आता है, द डॉग, डॉग एनिमल है तो हम इट कहेंगे। यहाँ पे देखिए सीता, रेनू एंड प्रिया, आप एक साथ तीनों के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे होगा दे। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में नितिन एंड आई, यानी आप खुद के बारे में बात कर रहे हो और आपके साथ आप किसी और के बारे में भी बात कर रहे हो, तो नितिन एंड आई, सो वी यहाँ पे होगा। तो ये एक वर्कशीट है, नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पे हम प्रॉपर यूसेज सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा, जब आप किसी के बारे में सेकेंड सेंटेंस बोलोगे, दूसरी दफ़ा बात करोगे, यू हैव टू यूज़ प्रोनाउन। इसके बाद है फोर्थ वर्कशीट, यहाँ पे मल्टीपल प्रोनाउंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट वाला जो है वो चूज़ करना है फ्रॉम दीज प्रोनाउन वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे द ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, द ड्रेस, आप एक थिंग के बारे में बात कर रहे हो, द ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल। जब आप ड्रेस के बारे में दोबारा एक सेंटेंस बोलोगे आपको प्रोनाउन यूज़ करना होगा। सो द ड्रेस इज़ अ थिंग, सो इट, इट इज़ रेड इन कलर। तो इस तरह से ये वाली फोर्थ वर्कशीट है। सो टोटल फोर वर्कशीट्स हैं ऑन दिस वेबसाइट, माई वेबसाइट www.splendidmoms.co.in। आप ज़रूर चेकआउट करिए, प्रिंट लीजिए, फ्री है, PDF फॉर्म में आपको मिलेगी। नहीं, अगर आपको प्रिंट नहीं भी लेना है तो आप DIY शीट्स बना सकते हैं सिमिलर टू दिस। सो ये था आज का वीडियो अबाउट प्रोनाउंस, जहाँ पे बच्चे को हम सिर्फ टर्म्स नहीं सिखाते, ही, शी, इट, हम यूसेज सिखाते हैं थ्रू दिस वर्कशीट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़।